नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 10,000 FPO बनाने की योजना कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात है। इस क्रांति के माध्यम से बुआई से बाजार तक किसानों को सक्षम बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना सरकार का मकसद है। किसान उत्पादक संगठन की स्कीम को सुचारू रूप से लागू करने के संबंध में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान उत्पादक संगठन की स्कीम को सुचारू रूप से लागू करने के संबंध में क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि FPO से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए CBBO को हर जतन करना होगा। FPO की परिकल्पना तब पूरी होगी जब FPO बनने के बाद उसका लाभ किसानों को मिलने लगे तथा केसर की तरह इसकी खुशबू महक जाए। तोमर ने अधिकारियों से कहा कि काम ऐसा होना चाहिए कि सारे कहें कि हमें भी FPO से जोड़िए। आगे नए FPO गठन के लिए सरकार से मांग हो। CBBO को सरकार साधन दे रही है जिससे अच्छे परिणाम आने चाहिए। इस मौके पर लघु कृषि व्यापार संघ की MD नील कमल दरबारी ने सम्मेलन की भूमिका प्रस्तुत की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी ने CBBO से सरकार की अपेक्षाएं बताई। कार्यक्रम में नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला ने स्कीम को लेकर सुझाव दिए। आपको साथ ही ये भी बता देते हैं कि CBBO की भूमिका आखिर है क्या। दरअसल कृषि मंत्री ने कहा कि CBBO इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वे इस विषय में विशेषज्ञ हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, किसानों को खेती में टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, किसान अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करे इस दृष्टि से मार्गदर्शन कर सकते हैं और किसानों को वाजिब दाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि FPO स्कीम में सरकार कई करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में पहले लगभग 7,000 FPO बने थे, लेकिन अधिकतर टिकाऊ नहीं हो पा रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई योजना लेकर आए हैं। FPO छोटे किसानों के संगठन है। इस पूरी योजना पर सरकार 6 करोड़ से ज्यादा अब तक खर्च कर चुकी है। देश में लगभग 85% से लेकर 86% छोटे किसान हैं, जिसमें FPO के माध्यम से आदान उपलब्ध कराने के लिए प्रोसेसिंग और उपज के बाजार में उचित दाम पर बिक्री में सहयोग जैसी सुविधाएं दिलाना सरकार का उद्देश्य है। FPO किसानों की संगठन शक्ति के प्रतीक हैं।